हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, वी वर डूइंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और जिसमें हम मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस इट कैन अकर्स बाय टू मेथड्स, दैट इज़ थ्रू नर्वस सिस्टम और थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड। अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ तो ब्रेन के बाद आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लेते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कह रहे हैं इसको? मैंने आपको बताया था क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये जो ब्रेन है हमारा, ये सेंटर में प्रेजेंट है और वहीं ब्रेन से इमर्ज होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो सेंटर में प्रेजेंट है बॉडी के, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को किस में लेते हैं बच्चों? CNS में, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूँ बच्चों, तो मेनली जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, किस तरह की दिखाई देती है? सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है ब्रेन से, ये कैसी दिखाई देती है हमें? सिलेंड्रिकल इन शेप, एंड इट इज़ लोअर पार्ट ऑफ CNS। देखो, अपर पार्ट तो क्या हो गया? ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अपर पार्ट क्या हो गया बच्चों? ब्रेन। और जो लोअर पार्ट है हमारा, वो क्या कहलाता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ बच्चों, इट इज़ अराउंड 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, कंप्लीट जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है बच्चों? 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। जिस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है बच्चों मेम्ब्रेन से, दैट इज़ नोन एज मेनिंजेस, इसी तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, दैट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड विद इन अ बोनी कैनाल। दैट मीन्स स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो बोनी स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम। और यही वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम कहते हैं ना वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम क्या कर रहा है बच्चों? ये प्रोटेक्ट करके रखता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, एंड दिस प्रोटेक्टेड, जिस तरह से ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा था CSF प्रेजेंट होता है बच्चों, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसी तरह से इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी CSF प्रेजेंट होता है, जो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। और वही मेम्ब्रेन जैसे ब्रेन में मेनिंजेस कहला रही थी, इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन भी क्या कहलाती है बच्चों? मेनिंजेस। फिर हमने देखा था कि ब्रेन की भी मेनिंजेस को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं बच्चों, अरेकेनोइड, पायामेटर, ड्यूरामेटर। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड की भी तीन लेयर्स हो जाती है मेम्ब्रेन की। मेनिंजेस को हम फर्दर तीन लेयर्स में, तीन फर्दर मेम्ब्रेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से अरेकेनोइड हो गया आपका, ठीक है, पायामेटर एंड ड्यूरामेटर। ठीक है, उसके अलावा देखिए बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है बच्चों, इसमें से बहुत सारी क्या होती है? नर्व्स इमर्ज हो रही होती है। इस तरह से न्यूरॉन्स जो हैं, नर्व्स जो हैं, निकली हुई होती है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 31 सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में आपको और क्लियर हो जाएगा। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बच्चों, ये स्पाइनल कॉर्ड का ही है। ठीक है, तो इस स्पाइनल कॉर्ड में हम देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जब आप टोटल गिनेंगे तो बच्चों ये 31 सेक्शंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है बच्चों? 31 सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं? सेगमेंट्स। स्पाइनल कॉर्ड के जो ये 31 सेक्शंस हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? सेगमेंट। और हर सेगमेंट एक पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स को अराइज करता है। दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसके एक जो इसका कॉलम है, यहाँ से पेयर, एक नर्व्स यहाँ से निकल रही होगी, एक नर्व्स यहाँ से निकल रही होगी, तो पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक सिंगल सेगमेंट से पेयर ऑफ नर्व्स, एक नर्व जो है वो यहाँ से इमर्ज हो रही है, एक नर्व यहाँ से इमर्ज हो रही है, तो ये पेयर हो गया, पेयर ऑफ नर्व्स इज प्रेजेंट। ठीक है, तो 31 सेगमेंट्स में कितने पेयर्स हो गए बच्चों? 31 पेयर्स। और ये जो पेयर हो गई, ये हम क्या कहला रहे हैं बच्चों? स्पाइनल नर्व्स, क्योंकि ये कहाँ से इमर्ज हो रही है? स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये क्या कहलाती है? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, और हर स्पाइनल नर्व,
हर एक पेयर जो है वो किससे कनेक्टेड है, इससे कॉर्ड से, ये क्या कहलाती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दैट मीन्स जो नर्व अराइज हो रही है स्पाइनल कॉर्ड से वो तो क्या कहला रही है, स्पाइनल नर्व, ठीक है। और ये जो बीच में जो कॉर्ड प्रेजेंट है जो इन पेयर्स को कनेक्ट कर रही है, इन नर्व्स को, वो क्या कहलाती है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अब हर जो स्पाइनल नर्व है वो एक सेगमेंट से अटैच है। आप देख रहे हैं कि भाई ये पेयर जो हो गया नर्व्स का, ये भी हो गया, दो नर्व्स हो गई, ये स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है। तो ये जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो पॉइंट होता है अटैचमेंट का, वो क्या कहलाता है मेरे बच्चों, वो कहलाता है रूट्स, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से जो नर्व अराइज हो रही है तो ये किसी पॉइंट पे इस कॉर्ड से अटैच होगी, यहाँ से जो नर्व अराइज हो रही है ये किसी पॉइंट पे इस कॉर्ड से अटैच होगी, तो ये क्या कहलाती है बच्चों, रूट। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखिए, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूँ इस तरह से, और फिर मैं इसका अपर सरफेस, ऊपर का सरफेस देखूँ, तो वो इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। सपोज़ कीजिए ये क्या हो गई, ये स्पाइनल कॉर्ड को जैसे हमने इस तरह से कट किया, तो मुझे जो इसका अपर सरफेस है, इस तरह से जब मैंने सरफेस देखा तो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, ये। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हम कह सकते हैं कि ये किसका सरफेस है बच्चों, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी, उसको हमने कट किया तो उसका जो ऊपर का सरफेस है वो इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें जो इस तरह के डिस्क, जो सेगमेंट्स प्रेजेंट है, वो एक सेगमेंट ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। वो एक सेगमेंट कैसा दिखाई दे रहा है हमें, इस तरह का। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसकी लेबलिंग देखते हैं हम, जो इसका इधर वाला पार्ट है, ठीक है, जो इसका इधर वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है बच्चों, पोस्टीरियर पार्ट, पीछे का पार्ट, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का इधर जो बैक वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, पोस्टीरियर पार्ट। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये बच्चों इस तरह से कट कर रखा है, तो ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया आपका डोर्सल साइड का, ये रीजन जो है ना, ये आपका कहलाता है पोस्टीरियर पार्ट। और ये वेंट्रल वाला, ये आगे वाला, ये कहलाता है बच्चों आपका एंटीरियर पार्ट, ठीक है। एंटीरियर मीन्स इस तरह का, आगे की तरफ जो है, पोस्टीरियर हो गया ये पीछे की तरफ जो है, ठीक है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर क्लियर हुआ आपको, एंटीरियर किसको कह रहे हैं हम और पोस्टीरियर किसको कह रहे हैं, ठीक है। तो जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो डोर्सल वाला जो पार्ट है आपका आगे का, ये कहलाता है एंटीरियर, एंड वेंट्रल वन इज नोन एज पोस्टीरियर, सॉरी डोर्सल वाला मैंने बताया पोस्टीरियर कहलाता है, और वेंट्रल आगे का जो सरफेस है दैट इज नोन एज वेंट्रल। तो यहाँ आगे वाले सरफेस से भी कुछ नर्व्स आ रही हैं, और जो पोस्टीरियर वाला है उससे भी कुछ नर्व्स निकल रही हैं, यही हो रहा है ना। तो जो पोस्टीरियर रीजन होता है, डोर्सल वाला जो पार्ट होता है बच्चों, वो क्या करता है, सेंसरी फाइबर्स कैरी करता है। आप देख रहे हैं डोर्सल वाले रीजन में हम देख रहे हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, जो इन्फॉर्मेशन लेके आएगी, दैट मींस बाहर से जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है, तो इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, उसके आउटर रीजन को मैं पेरिफ्री कह सकती हूँ, बाहर वाला मतलब पेरिफ्री। तो जो बाहर से सिग्नल को लेके आए स्पाइनल कॉर्ड में, दैट मींस जो यहाँ से बाहर से किसी और ऑर्गन से लेके आ रही है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, एफरेंट सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आ रही है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो क्या कहलाती है, एफरेंट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये कहाँ आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो ये अंदर आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो डोर्सल रूट वाला पार्ट है, डोर्सल वाला जो पार्ट है, वो क्या करता है, बाहर से पेरिफ्री से स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो ये डोर्सल रूट है, यहाँ से जो पार्ट निकल रही है उसको हमने क्या बोल दिया, डोर्सल रूट। मैंने बताया ना पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या कहलाता है, डोर्सल वो रूट कहलाता है। तो डोर्सल वाले रीजन में हो गई, तो मैंने क्या बोल दिया इसको, डोर्सल रूट गैंग रूट। अब ये देखिए यहाँ एक स्वेलिंग प्रेजेंट है, तो जो डोर्सल वाला पार्ट होता है बच्चों, वहाँ एक स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, उसको हम कह देते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियोन। क्या कह देते हैं उसको हम, डोर्सल रूट गैंग्लियोन। एक्चुअली स्वेलिंग पे है क्या, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स कई सारी होंगी बच्चों, पूरे में फैली हुई है, तो जो सेंसरी न्यूरॉन का सेल बॉडी जो होती है, जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्रुप में, इसलिए कैसा हो जाता है, थोड़ा स्वेलिंग हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है, डोर्सल रूट गैंग्लियोन।
ठीक है भाई, ये पूरे में स्प्रेड होगी ना सेंसरी न्यूरॉन्स, तो उसकी जो सेल बॉडी वाला पार्ट है ज़्यादातर वो यहाँ प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन। समझ में आ गई बात? ठीक है, सेकेंड चीज़, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट स्पाइनल नर्व्स का, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है ये वेंट्रल रूट कहला रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आपकी मोटर न्यूरॉन्स आ रही हैं, मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेके जाएगी डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। तो जो वेंट्रल रूट वाला रीज़न कौन सा हो गया, जो मोटर न्यूरॉन्स का जो पार्ट है इसमें क्या प्रेजेंट होंगी, मोटर न्यूरॉन, और ये स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल कहाँ ले जा रही है, पेरिफ्री पे, मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से जो बाहर की तरफ सिग्नल ले जा रही है वो तो वेंट्रल वाला पार्ट हो गया, और जो पेरिफ्री से अंदर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड में लेके आ रही थी वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डोर्सल वाला पार्ट। तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका, स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके कितने रीजंस इसमें प्रेजेंट है, अभी मैंने सेगमेंट की बात की थी तो मैंने आपको बताया था बच्चों 31 सेगमेंट्स प्रेजेंट है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन से जब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है ये कहलाता है स्कल, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्कल, ठीक है। स्कल से जस्ट बिलो ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम किसका पार्ट होता है बच्चों, हाइंड ब्रेन का, ठीक है। तो सेरिबेलम जो है हमारा, सेरिबेलम के जस्ट नीचे मैं देखती हूँ, तो हम आपको याद होगा मैंने ब्रेन स्टेम बताई थी, हाइंड ब्रेन में ब्रेन स्टेम होती है, ब्रेन स्टेम से ही फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से इमर्ज हो रही होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट 8 सेगमेंट हैं स्पाइनल कॉर्ड के वो कहलाते हैं बच्चों सर्वाइकल सेगमेंट। आपको याद होगा कभी जनरली नॉर्मली कोई डिसऑर्डर होता है तो कहते हैं भाई सर्वाइकल पेन हो रहा है, तो वो सर्वाइकल पेन जो होता है वो कहाँ होता है बच्चों, ऊपर शोल्डर की तरफ, है ना, शोल्डर की जो मसल्स होती हैं वो पेन करती हैं, तो वो क्या कहलाता है, सर्वाइकल रीजन। तो C1 से लेके जो 8 सेगमेंट है बच्चों हमारे वो कहलाते हैं सर्वाइकल सेगमेंट्स, ठीक है। उसके जस्ट नीचे थोरेसिक होता है बच्चों चेस्ट वाला जो रीजन होता है, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर होता है ना, थोरेसिक कैविटी मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताई थी, आपको याद होगा। तो थोरेसिक होता है बच्चों चेस्ट वाला जो रीजन होता है, इसके अंदर कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट है, 12, T1 से लेके T12। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके चारों तरफ जो बोनी कवरिंग है वो कहलाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो यहाँ कितने सेगमेंट हो गए थोरेसिक वाली कैविटी में, जहाँ चेस्ट वाला रीजन है, 12 सेगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों लंबर रीजन कौन सा होता है, जो हिप्स वाला रीजन होता है, ठीक है, जस्ट बिलो द थोरेसिक के जस्ट नीचे एब्डोमन वाला जो रीजन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लंबर रीजन। तो उसमें कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट है, 5, ठीक है, लंबर रीजन जो है 5 सेगमेंट्स है। उसके बाद जस्ट आते हैं सेक्रल रीजन कौन सा है, जस्ट बिलो द हिप्स के जस्ट हिप्स वाला जो रीजन है, बीच में सेंटर में जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम आ रही है हिप्स में, उसमें 5 सेगमेंट्स प्रेजेंट है, सेक्रल कहलाते हैं। और कोकिक्स होती है बच्चों टेल बोन, हिप्स के जस्ट बीच में जो हार्ड रीजन होता है आपका बैक में, जो हिप्स के बीच में बोन होती है वो कहलाती है कोकिक्स। तो कोकिक्स सिंगल बोन होती है। अब देखिए 31, आपको याद होगा मैंने आपको स्पाइनल नर्व्स बताई थी, स्पाइनल नर्व्स मैंने आपको बताई थी 31 पेयर होते हैं बच्चों। तो देखिए एक जो नर्व्स है वो यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, तो 1 पेयर हो गया, फिर 2, 3, इस तरह से टोटल 31 पेयर्स होते हैं किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको स्पाइनल कॉर्ड क्लियर हो गया होगा, इसका PDF मैं आपको भेज दूंगी अभी आफ्टर द वीडियो, ठीक है। आप पढ़िए, अपनी बुक में से स्टडी कीजिए, कोई डाउट आता है देन आस्क मी। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।